दिलीप जिंदा है या नहीं ये कैसे पता लगेगा? लेकिन अगर वो जिंदा होते तो उन्हें पता तो चलता ना कि उनकी मौत का किस जुगलजी पर चल रहा है। वो इन्हें बचाने के लिए सामने नहीं आ जाते। अगर जानबूझ के फेक डेथ किया है तो शायद ना है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों के पास रहना चाह रहा था, जिसके लिए वो सुधरने की कोशिश भी कर रहा था, तो ये नाटक करके उनसे दूर क्यों जाएगा? ये तो अजीब सस्पेंस हो गया। दोनों बातें सही भी हो सकती हैं और गलत भी। वो जिंदा भी हो सकते हैं और नहीं भी। लेकिन ये छिपे रहने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? जिस तरह की टेढ़ी आइटम है दिलीप, हो सकता है मरने का नाटक करके संतोष से बदला लेना चाहता हो। कोई भरोसा नहीं उसका। योर ऑनर, मैं ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हमें बॉडी मिली उसके डीएनए रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव है। हैदराबाद जेल में भी इसी तरह ये साबित नहीं हो पाया था कि जली हुई बॉडी दिलीप पटेल की है या किसी और की। तो हो सकता है कि रेस्टोरेंट से मिली बॉडी किसी रेस्टोरेंट स्टाफ की हो या फिर आग लगाने वाले की हो, जिसे हमने दिलीप पटेल समझ लिया। भाई, डैड जिंदा होंगे क्या? हमेशा डैड को लेकर इतने सवाल क्यों बने रहते हैं? वो जिंदा है कि नहीं, वो डेड बॉडी उनकी थी कि नहीं? चलो मान लेते हैं कि वो जिंदा है, तो मम्मी डैड को अपनाएगी कि नहीं? हम सब पूरी एक फैमिली बन पाएंगे कि नहीं? इसका जवाब मेरे पास तो क्या, किसी के पास नहीं है राशि। समय ही दे पाएगा इसका जवाब। मैं बस इतना कहूंगा कि जो हमारे साथ नहीं है उनके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो हमारे साथ हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हमारी भलाई सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि जो नहीं है उन्हें न्याय दिलाने के चक्कर में जो है उनके साथ अन्याय हो जाए, वो भी तुझसे दूर हो जाए। मम्मी, कितनी बार बोला आपको इतना स्ट्रेस मत लीजिए, देखिए बीपी आपका फिर से कितना बढ़ गया। अरे ये बीपी को भी ना तेरे पापा की आदत लग गई है, सीधा चलता ही नहीं है। अरे चिंता मत करो, अभी दवाई ले लूंगी ने, ठीक हो जाएगा। कॉमेडी मत कर सुशी, प्रार्थना सही बोल रही है, तू अपनी तबीयत का ध्यान ही नहीं रख रही आजकल। अरे दिल्ली अभी दूर है। हाँ हेलो, नमस्कार पटेल साहब। हाँ 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 हाँ, देता हूँ देता हूँ, एक मिनट। हाँ नमस्ते पाटिल साहब। हाँ मम्मी, पापा का ध्यान बटा हुआ है, आप इतना समझ लीजिए कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज, और कुछ भी चाहिए होगा ना सबसे पहले आप मुझे बताना। भले भले पाटिल साहब। जय 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 महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ए सुशी सेठ जी, बस्ती में विजिट है आज, और उसके बाद पहले वाइफ की विजिट कर लूं रमेश साहब।
बीमार है ना वो? हाँ. हैं? थैंक यू सुशी. तू कैंसिल कर दूं? अरे 5 मिनट लेट जाएंगे तो बस्ती उजड़ नहीं जाएगी पोपट कहीं का. हेलो सुशी. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ क्या? नहीं, जोर से बोलिए, जोर से. हाँ हाँ, आ रही आवाज. बोलो बोलो. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. कौन कौन? वो स्पोर्ट्स क्लब से फोन था. उद्घाटन का नहीं बोला था आपको? अरे ये जब से बापूतरा ने कसरत शुरू की है ना, स्पोर्ट्स वाले पीछे पड़ गए. क्या करूं? कैंसिल करूं? अरे तू क्या हर बार कैंसिल कर दू बोल रहा है? सब चीज कैंसिल करेंगे तो काम कब करेंगे? ए, लोगों का विश्वास जीतना है, समझा? अरे उस बेचारे पर क्यों भड़क रहे हो आप? अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा. मैंने दवाई ली है ना, अभी सब ठीक हो जाएगा. और प्रार्थना भी तो है मेरे पास. हाँ पापा. हाँ सुशी, लेकिन तूने नाश्ता किया? तू नाश्ता ही नहीं. नाश्ता पहले कर. क्या बापूदरा उठाए? हेलो हेलो, जोर से बोलिए जरा. क्या? हाँ हाँ, निकल गए हम लोग. मम्मी मैं नाश्ता लेके आती हूँ, थोड़ा खा लीजिए. ठीक है, तेरे लिए भी लेके आना. कितनी पातली थी गई. अरे शो मम्मी. जितना मैं राशि को जानता हूं ना पुष्पा, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि दिलीप जिंदा नहीं है, वो उसके फोटो पे हार नहीं चढ़ाएगी. वो यही मानेगी कि दिलीप मरा नहीं है, और उसकी जगह पर कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता. हमें उम्मीद तो रहती ही है कि हमारे अपने हमसे कभी दूर ना हो. पुष्पा, अगर हम एक बार के लिए मान भी ले कि दिलीप मरने का नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां से बाहर निकला कैसे होगा? इतनी भयानक आग लगी थी वहां पर, मैं खुद जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकला था. पूरी होटल जलकर खाक हो गई थी, तो फिर वो वहां से बाहर निकला कैसे होगा? उसके दोनों पैरों में इतनी गहरी चोट आई थी, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था. दिलीप का कोई भरोसा नहीं है जुगल, क्योंकि वो हमेशा से यमराज को चकमा देता आया है. हैदराबाद झील की आग से बचकर तो वो निकला ही था, पर जब भारत आया ना तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उससे भी बच गया. बोन मेरो कैंसर से बच गया. गुरु भसी ने जेल में हमला किया तब भी बच गया. फिर चाल के बाहर गोली चली तब भी बच गया. तो हो सकता है कि इस बार भी बच गया हो. फिर तो अगर वो मरने का नाटक कर रहा है ना पुष्पा, तो फिर उसका एक ही कारण हो सकता है. जैसे तूने कहा कि वो संतोष से बदला लेना चाह रहा. हाँ, संतोष से छिप कर उसे गुमराह करके वो उस पर वार करने की कोशिश कर सकता है. आखिर उसके परिवार को मारने की कोशिश करी है संतोष ने. कोर्ट में जैसे केस चलाना, मुझे तो लग रहा है कि आग संतोष ने ही लगाई है. और अगर ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है तो संतोष तो लंबा जाएगा अंदर. फिर दिलीप क्या कर लेगा उसका? अगर संतोष के पकड़े जाने से पहले ही दिलीप उस तक पहुंच गया तो ये संतोष भी खिलाड़ी आदमी है, इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आएगा. जिस तरह कोर्ट से वारंट निकला है
अब तक तो पूरे शहर में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी होगी। हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। मुझे दिलीप की फैमिली को खत्म करना था, लेकिन माहौल गर्म है इसलिए वो फिर कभी सही। पता नहीं क्यों मेरा शक धीरे धीरे गहराता जा रहा है कि दिलीप जिंदा है, वो मरा नहीं है। और अगर वो जिंदा है और उसे पता चल गया कि उस आग के पीछे मैं हूं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किसी भी तरीके से जुगाड़ करके इस देश के बाहर जाना पड़ेगा। अब मेरा कांटेक्ट किसी के पास नहीं है। निकलो तुम लोग यहां से। चलो, पकड़े मत जाना। स्वरा बेटा, तुम्हारा फेवरेट पोहा। आंटी, अश्विन दादा और दीप्ति दीदी सच्ची में मेरे मामा पापा बन जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों? तो बाद में मैं मेरी आई को आई नहीं बोल सकती। ऐसा किसने कहा? ऑफ कोर्स बोल सकती हो। तुम्हारी आई हमेशा तुम्हारी आई ही रहेगी। सब बच्चों के पास एक आई होती है, लेकिन हमारी स्वरा स्पेशल है ना, तो उसके पास दो आई होंगी। जिन बच्चों की आई भगवान जी के पास चली जाती है, वो बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं। अडॉप्ट नहीं, सब बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ बच्चे अडॉप्ट होते हैं और कुछ बच्चे ऑर्फनेज, मतलब अनाथ आश्रम में रहते हैं। बेटा अभी खाएंगे? गुड गर्ल, अच्छा बना है। बापुद्रा जी, जी ये आग का लगना, उसमें दिलीप जी के साथ ऐसा हादसा होना और फिर ये कोर्ट केस चलना, इन सब में पुष्पा जी का काफी समय चला गया। जी जी, देखिए ना इतनी बड़ी घटना हो गई बेचारी के साथ। मैं समझती हूँ, पर क्या है ना, हम पब्लिक लाइफ में हैं, हमें अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है। कुछ समझा नहीं बापुद्रा। देखिए बापुद्रा जी, मैं पुष्पा जी को ब्लेम नहीं कर रही, पर हकीकत यही है कि इस केस के कारण उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है। लोग उनके और जुगल जी के बारे में बातें करने लगे हैं। नहीं नहीं संगीता दाई, ये एकदम बकवास है। पुष्पा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। सालों से जानता है बापुद्रा उसको और जुगल को भी। ऐसा कुछ नहीं है, बापुद्रा की गारंटी है। बापुद्रा जी, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब बातें सच है, लेकिन पुष्पा जी मोहल्ला समिति की अध्यक्ष, चार लोग उनके बारे में बातें करें अच्छा नहीं लगता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उन्हें हमारी महिलाओं और उनके एरिया का कॉन्फिडेंस फिर से जीतना होगा, दैट्स इट। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है ताई। हम उनके साथ हैं, हमसे जो बन पड़े हम उनकी मदद करेंगे। तब तक आप भी सोचिए कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल ताई, बापुद्रा जरूर सोचेगा। चलते हैं। जी ये कोर्ट केस के कारण पुष्पा का ध्यान मोहल्ला समिति के कार्यों में बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु, एक काम करते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं। हेलो, रुकुनी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। संतोष, तुमने मुझे फोन क्यों किया? देखो अब हमारा कोई लेना देना नहीं,
कोई लेना देना नहीं है? ऐसे कैसे कोई लेना देना नहीं है? आप ही ने तो मुझे हैदराबाद जेल की सारी इंफॉर्मेशन दी थी हैं? सुनो, सेफ लाइन से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, डोंट वरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुष्पा और जुगल तुम्हारे साथ काम करते हैं, उन पर पैनी नजर रखनी है। दिलीप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, छोटी से छोटी, वो मेरे को चाहिए। मेरे को पूरा डाउट है कि दिलीप अभी जिंदा है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? देखो मुझे फोन मत करना, दूर रहो मुझसे। तुम्हारे नाम का वारंट निकल चुका है, वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए हैं। ए रुक्मणी मेरी बात सुन, हम कुछ सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल रहे कि दो राउंड्स खेला और उसके बाद टाइम पीस बोल करके बाहर निकल लिए। इस षड्यंत्र में तू भी शामिल है, ये बात तू अच्छी तरह से समझ ले। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। पुलिस मुझे ढूंढ रही है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तू भी नहीं बचेगी, याद रखना। इसलिए अपनी होशियारी अपने पास रख और जो कह रहा हूं वो कर। मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा, फोन कर अभी। अभी आया तू? बहुत देर हो गई। इस कॉर्पोरेटर बनने के बाद टाइम टेबल ही बदल गया है बापूद्रा का। अच्छा हुआ तो मिल गई। आज संगीता ताई से मिला था, वो कह रही थी कि देखिए बापूद्रा जी, मैं पुष्पा जी को ब्लेम नहीं कर रही, पर हकीकत यही है कि इस केस के कारण उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है। लोग उनके और जुगल जी के बारे में बातें करने लगे हैं। बापूद्रा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन अब बोल रही थी कि सही कह रही है संगीता ताई, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मेरे कारण? तेरे कारण नहीं, दिलीप के कारण। क्या फर्क पड़ता है, नाम तो मेरा ही जुड़ता है। देख पुष्पा, बापूद्रा की बात मान, सब भूलकर काम पे ध्यान दे, वरना वो रुक्मणी बैठी हुई है मौके की ताक में। बापूद्रा, निजी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, अपने काम में 19-20 नहीं होने दूंगी। पर्सनल लाइफ में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, तेरा और पार्टी का रंग खराब होने नहीं दूंगी। बस बस। क्या हुआ? कोई और टेंशन भी है? टेंशन? सुशी का टेंशन है। क्या हुआ उसे? अरे उसका बीपी कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। अभी इस उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से एक डर लगा रहता है अंदर कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। डॉक्टर आती है, टाइम टू टाइम चेकअप करती है, लेकिन चिंता तो उसको भी है। ऐसे कैसे बापू थे? चल तेरी सुशी का बीपी कम करते हैं। बीपी कम करते मतलब? देखते जा, तू पहुंच, मैं 2 मिनट में आती हूँ। क्या किधर? अरे अभी क्या करने वाली है? कैसा लग रहा है अभी सुशी? बीपी हाई है पापा। डॉक्टर को बुला लो। अरे तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो, ऐसे सर पे बैठे रहोगे ना तो मेरा बीपी कभी डाउन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है सुशीला, तुम लोगों के लटके हुए चेहरे देखकर ना उसका बीपी उल्टा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सारे टेंशन की ना एक ही दवा है। क्या? बापूद्रा, तू अपनी सुशी को खुश करना चाहता है? अरे ये कैसा सवाल है? अरे हाँ बोलना है। अरे हाँ। Then come on, join me, baby. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.